वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद सहारन और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग ऑफ मोटर्स के बारे में। आपकी जो मोटर्स होती है, अगर आपको इमीडिएटली उनको स्टॉप करने की रिक्वायरमेंट आ जाए तो आप उनको रनिंग कंडीशन से स्टॉप में कैसे ला सकते हो। वैसे तो अपने पास सिंपल रहता है कि आप उसको जो आपकी मेन सप्लाई है जो आपने मोटर में कनेक्ट कर रखी है उससे आप डिस्कनेक्ट करके भी अपनी मोटर को स्टॉप कर सकते हो, बट वो इमीडिएट एक्शन नहीं होता। जैसा आपने देखा होगा आपके घर में नॉर्मल जो मोटर होती है, आप उसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हो तो वो धीरे धीरे अपनी क्या है स्पीड को डिक्रीज करना स्टार्ट करती है और कुछ टाइम में लाइक वो 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड में मोटर है धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है एक मिनट। वो होती है नो लोड कंडीशंस में। अगर उनके साथ में वही लोड लगा हो तो मोटर क्या है उनके लोड के कारण है अपनी उसी स्पीड में घूमती रहती है और काफी ज्यादा टाइम ले लेती है, इमीडिएटली स्टॉप नहीं हो पाती। इसी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम उस पर डिफरेंट टाइप्स के ब्रेक सप्लाई करते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह आपकी गाड़ी होती है, आप उसको न्यूट्रल करके छोड़ देते हो तो गाड़ी कुछ टाइम रोटेट करती है, मेन स्ट्रोक से उसी फ्लो में आगे ट्रैवल करती रहेगी, कुछ टाइम बाद रुक जाती है। बट आप जैसे ही अपने मैकेनिकल ब्रेक्स आपके पैडल होते हैं अप्लाई करते हैं उसको इमीडिएटली रोक लेते हो, सेम अपना मोटर्स में होता है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं जिनसे हम मोटर को रोक सकते हैं वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ब्रेकिंग में आपको दो तरह से हो सकती है आपकी, जैसे आप सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हो और उसमें मैकेनिकल ब्रेक सप्लाई कर दो, तो पहला आपका मेथड होता है मैकेनिकल ब्रेकिंग का। सेकंड मेथड होता है आप उसको इलेक्ट्रिकली भी ब्रेक लगा सकते हो। उसमें इलेक्ट्रिकली ब्रेकिंग में हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है रियोस्टेट ब्रेकिंग, इसको डायनेमिक ब्रेकिंग भी बोलते हैं, इसका नाम याद रख लीजिए, दोनों नाम से इसको बोलते हैं। दूसरा होता है प्लगिंग से हम कर सकते हैं। तीसरा होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इन ब्रेकिंग्स में हम अलग अलग तरह से बताएंगे, विद डायग्राम आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे रोक सकते हो। देखिए, प्रोड्यूस अपोजिट एंड नेगेटिव टॉर्क इन द मोटर। इस केस में जब आप ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं वहां पे अपना नेगेटिव टॉर्क क्या है प्रोड्यूस होता है। लाइक पहले मोटर है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी और उसमें नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए, तो वो पहले वाले टॉर्क को कैंसिल आउट कर देता है और उसी से हमारी मोटर इमीडिएटली क्या है स्टॉप हो जाती है। और जो हमारा है उसमें करंट अगर हम रिवर्स कर दें उससे भी अपना नेगेटिव टॉर्क है जो प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रियोस्टेट ब्रेकिंग की। रियोस्टेट ब्रेकिंग आपको मैं यहाँ पे शंट मोटर का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए शंट मोटर में हमारा सिंपल पहले क्या होता था, यहाँ पे हम सप्लाई जो है कनेक्ट कर देते थे, ये हमारा मोटर का आर्मेचर होता था और उसके पैरेलल में हमारा फील्ड कनेक्ट होता था। टोटल करंट आई हम यहाँ से देते थे और आर्मेचर में आई ए करंट जो है आर्मेचर करंट फ्लो हो जाता था, शंट करंट इस तरफ आई शंट फ्लो हो जाता था। इसमें इस केस में हम क्या करेंगे, अगर मोटर हमारी वर्किंग कंडीशन में कोई एन आरपीएम पर रोटेट कर रही है, यहाँ भी बैक ईएमएफ है जो प्रोड्यूस हो रही है, तो अब इसको मैंने रोकनी है। सबसे पहले मोटर रोकना हो तो हमारे दिमाग में यही आता है सप्लाई डिस्कनेक्ट करना है, तो आप इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ से। आपको अगर इनकी थ्योरी पढ़नी है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक के, बाकी मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ, फालतू में वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं है। जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी मैं आपको यहां बता दूंगा। सबसे पहले आपको ये इमीडिएटली इसकी सप्लाई ऑफ करनी होगी। सप्लाई ऑफ करने के बाद में आपको क्या करना होगा, जो आपका आर्मेचर है, आर्मेचर का कनेक्शन आप इस मोटर से कट करके उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि रियोस्टेट होता है उससे कनेक्ट कर देंगे और धीरे धीरे इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। उसके कारण क्या हो रहा है, जो आपकी बैक ईएमएफ इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ये पहले से रोटेशन में है तो यहां से कुछ ना कुछ अभी करंट प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम रियोस्टेट से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें क्या है जो एज ए जनरेटर बिहेव करेगी तो सारा सारा करंट यहाँ पे रेजिस्टेंस में जाएगा तो लोड आने के कारण ये बंद हो जाएगी। तो अपना यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था अभी क्या है नेगेटिव टॉर्क आएगा इसमें बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस होने लग जाए। टॉर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, मैंने आपको बताया था फाई आई ए के, और इस केस में मैंने आपको क्या बताया टॉर्क नेगेटिव प्रोड्यूस होगा तो अपना करंट भी क्या है नेगेटिव यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग जाएगा, इसीलिए करंट भी यहाँ पे नेगेटिव होगा और जो टॉर्क है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई आई ए के। ठीक है, फ्लक्स तो अपना सेम ही रहेगा। अभी बात ये आती है इसमें अपना आईए जो प्रोड्यूस हो रहा है आईए कितना रहेगा, तो अपना आईए इसमें जो करंट रहने वाला होता है इसमें देखिए, सबसे पहले वोल्टेज तो हमने डिस्कनेक्ट ही कर दिया इसलिए वोल्टेज का तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज देखिए इस वाले वोल्टेज यहाँ पे थी वो सारी की सारी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे बैक ईएमएफ डिवाइड बाय आई निकालना है डिवाइड बाय आर, आर ए जो इसका रेजिस्टेंस है, सिंपली आर ए जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है, इसको माना आर एक्सटर्नल से आपको डिनोट कर दे रहा हूं।
ठीक है। सिंपली इसी तरह से हम इसका करंट वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरी आप यहां से पढ़ सकते हो सिंपल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा प्लगइन मेथड। प्लगइन मेथड में भी हम मोटर को इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉपिंग के लिए यूज किया जाता है। जो आपकी ट्रेंस वगैरह होती है उनमें ये मेथड्स हमारे यूज किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसमें भी सिंपली हमने वही मोटर का एग्जाम्पल लिया है, हमने यहाँ पे सिंपली सप्लाई दी है, करंट फ्लो हो रहा था इसमें भी और शंट में भी जा रहा है। जब आपको मोटर रोकना होता है आप इमीडिएटली क्या करते हो, अपनी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करोगे और जो आर्मेचर था सिंपली देखिए जो इधर वाला पोर्शन है, मैं इसको सिंपली आपको यहाँ पे देखोगे तो मैंने आर्मेचर को ये वाला पोर्शन है इसको सिंपल ए से डिनोट कर रखा है और नेगेटिव वाले को डबल ए से डिनोट कर रखा है। आप इस बात को ध्यान रखिए। अभी मैंने इसको सिंपली लाइक इस तरह से है कनेक्शन, तो मैं इसको सिंपली रिवर्स कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है समझे आप। यहाँ पे देखिए जो मेरा ए वाला कनेक्शन था पहले ऊपर वाले पॉजिटिव वाले टर्मिनल में था, तो मैंने यहाँ पे ए वाले कनेक्शन को नीचे नेगेटिव वाले में कर दिया और जो डबल ए वाला कनेक्शन था अपना नेगेटिव में था तो इसको मैंने एक रेजिस्टेंस की हेल्प से इसमें पॉजिटिव वाले में कर दिया, तो मतलब रिवर्स कर दिया इसको, ठीक है। इससे क्या होगा, अपना बैक जो करंट है इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही थी। अब हमने सप्लाई जो डिस्कनेक्ट करने के बाद में ये रोटेशन में है, एज ए जनरेटर बिहेव करना स्टार्ट ही किया इसने, तो इसको रिवर्स सप्लाई दे दी तो एकदम से ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे मोटर में, ठीक है। यहाँ पे आप कहोगे अपनी वोल्टेज क्यों दी है, बिकॉज वोल्टेज हमने दी है बैक ईएमएफ से, जो वोल्टेज जा रही है। पहले वाला केस ये था, हमने बिल्कुल 100% देखिए पहले वाले से कोई कनेक्शन नहीं रखा था, एक्सटर्नली उसको डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर दिया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये हमारी शंट के साथ भी कनेक्ट है। तो सिंपली इससे हम यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, आर एक्सटर्नल हमने लिया जो एक्सटर्नल हमने रेजिस्टेंस अटैच किया है। सिंपली यही आपको मैंने इसमें बताया है, ये आप यहाँ से थ्योरी पढ़ लेना, वही चीज़ है, बिल्कुल आसान है, दोबारा बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है, आप अच्छे से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है थर्ड और अपना लास्ट मेथड जिसमें होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आपको सिंपली अपनी मोटर का एग्जांपल लेना है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अपना करंट निकालने का फॉर्मूला होता है वी माइनस आई ए आर ए, ये आपको पता है। यहाँ पे बैक ईएमएफ को हम नेग्लेक्ट करते हैं, हमें पता है एन क्या है, अपनी नंबर ऑफ रोटेशन है, बैक ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस हो रही है। अपनी हमेशा बैक ईएमएफ क्या होती है, कम रहती है वोल्टेज से इन केस ऑफ मोटरिंग एक्शन। बट आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, ये कोई हिली एरियाज है, हिली एरियाज में मैं मान के चल रहा हूँ अपनी कोई है ट्रेन वहां पे ट्रेवल कर रही है, मैं इस हिलिंग स्टेशन पे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं इस पहाड़ की चोटी पे ट्रेन को लेके चलता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे इसको सबसे पहले सप्लाई देनी पड़ेगी अपनी ट्रेन इस कंडीशन में, तो मैं यहाँ से इसको कुछ वोल्टेज दे रहा हूँ और उसके कारण अपनी मोटर है रोटेट कर रही है, कुछ ना कुछ इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, बट फिर भी अपनी मोटर है जो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जा रही है। जब मोटर इसके पीक पे पहुंच जाएगी और मोटर नीचे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, अभी तक कुछ डिब्बे पीछे मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे आते ही उस केस में अभी भी अपनी वोल्टेज क्या है, इसमें जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उससे ज्यादा है। तो आपको मैंने ये बातें बताई है, जब तक अपनी वोल्टेज ज्यादा बैक ईएमएफ से वो मोटरिंग एक्शन में रहेगी, बट थोड़ी और नीचे आते ही अब क्या होगा, मोटर जब नीचे हो सॉरी ट्रेन है ट्रेन के ऊपर ऑटोमेटिकली फोर्स नीचे डाउन साइड में लगने लगा, बिकॉज ये क्या है इसके नीचे की तरफ अपने आप लुढ़कने लगेगी ट्रेन, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अपने आप लग रहा है। तो अपनी क्या है जो मोटर के अंदर है जो इसको सप्लाई दे रही है जितने इसकी आरपीएम होने चाहिए उससे ज्यादा आरपीएम बढ़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा अपनी जो बैक ईएमएफ है जो अपनी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो वोल्टेज हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में ये मोटरिंग एक्शन से हट के जनरेटिंग एक्शन में आने लग जाएगी। आपने एक बार नोटिस की होगी, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लाइन से क्या है ट्रेन को सप्लाई दे रहे थे, यहाँ ट्रेन नहीं मोटर बोलूंगा बिकॉज हम मोटर के ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मोटर क्या है अपनी इनपुट ले रही है, बट यहाँ पे एज ए जनरेटर ये बिहेव करेगी और सप्लाई बाहर देने लग जाएगी। तो पहले जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था अभी नेगेटिव साइड में टॉर्क प्रोड्यूस होगा बिकॉज एक्शन है अपना चेंज हो चुका है यहाँ पे होगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ अगर अपना हीलिंग एरिया वो कंप्लीट हो जाता है, मोटर एक समतल सरफेस पे आ जाती है, तो उस केस में हमारी वोल्टेज फिर से बढ़ जाएगी और वापस मोटरिंग एक्शन में आ जाएगा। ये सिंपली उसकी थ्योरी है, आप यहाँ से इसकी थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके ऊपर अभी कोई ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, बेसिकली इतना ही आता है। ये तीन मेथड हम यूज करते हैं जो मैंने आपको अभी भी बताए, रियोस्टेट ब्रेकिंग हो गया, उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो गया और प्लगिंग हो गया। ये तीन ब्रेकिंग हम यूज कर लेते हैं और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इनके साथ में हम मैकेनिकल ब्रेकिंग का कॉम्बिनेशन जरूर यूज करते हैं। क्योंकि देखिए मान के चलता हूँ आपको ये वाली जो है इनका मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, जब आप इनका क्या करोगे कनेक्शन रिवर्स कर देते हो, तो मान लीजिए जो आपका टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था
उसके बाद रिवर्स साइड में टॉप प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टॉप को एक टाइम पे हमें जीरो भी तो करना पड़ेगा। अगर हम रिवर्स साइड में उसमें और ज्यादा टॉक लगाते रहेंगे तो मोटर अपनी क्या है रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए हम ये देखते हैं जिस टाइम अपना पॉजिटिव टॉक था उसको हमने जीरो करने के लिए उसमें रिवर्स टॉक अप्लाई किया, बट अभी रिवर्स टॉक की पोलैरिटी कुछ ज्यादा ना चली जाए, मीन्स टू से मोटर अपनी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट ना करने लग जाए, उसी चीज को हम यहाँ पे मिनिमाइज करने के लिए देखते हैं। जिस टाइम अपनी मोटर की स्पीड नियर बाय जीरो आ जाती है, मीन्स टू से पॉजिटिव टॉक जो प्रोड्यूस हो रहा था और नेगेटिव टॉक प्रोड्यूस हुआ है दोनों इक्वल आ जाते हैं, उस टाइम हम मैकेनिकल ब्रेकिंग अप्लाई कर देते हैं और इसको बिल्कुल सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में हमारी मोटर है जो इजिली स्टॉप कर दी जाती है। तो ये था हमारा ब्रेकिंग सिस्टम मोटर्स में, जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल था, मैंने आपको तीनों बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ ही दिनों में आपको सारे के सारे ये टॉपिक्स है अपनी वेबसाइट पे मिलने लग जाएगा। वेबसाइट आप ऊपर देख सकते हो हमारी, आपको अगर विजिट करना है वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो, कुछ टाइम्स में आपको वहाँ पे लगभग सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।